नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी को बताया शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने वाला बड़ा अभियान। छात्रों से किया आत्मनिर्भर बनने का आह्वान। उत्तराखंड के उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड बनेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ग्रोथ सेंटर में उपलब्ध स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की हो व्यवस्था। ट्रूनेट की तर्ज पर लैब सीबी नेट आधारित अन्य कोविड टेस्ट भी कर सकते हैं। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने लैब के लिए मानक किए तय। और मेहंदी डोरी की रस्म के साथ रुड़की के पिरान कलियर दरगाह पर साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने वाला अभियान बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 सालों में औसतन हर साल 1 नया आईआईटी और 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय मुद्दों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्रों से तकनीक के साथ जुड़कर कौशल विकास पर ध्यान देने की अपील की, ताकि वे नौकरियों के लिहाज से खुद को तैयार कर सकें। हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 साल में औसतन हर साल 1 नई आईआईटी खोली गई है। कोरोना से जुड़े टेस्ट बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने ट्रूनेट की तर्ज पर कार्ट्रेज आधारित सीबी नेट टेस्ट के लिए मानक तय किए हैं। देश में अभी ट्रूनेट और आरटीपीसीआर से कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 जांच के लिए सीबी नेट आधारित टेस्ट करने के लिए बायोसेफ्टी मानकों के दूसरे स्तर यानी BSL-2 का होना जरूरी है। इन मानकों को पूरा करने वाली लेबोरेटरी कोविड जांच के लिए आवेदन कर सकती है। साथ ही जो लेबोरेटरी पहले से ही आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही है और बायोसेफ्टी लेवल के मानकों के दूसरे स्तर पर खरी उतरती है, उन्हें सीबी नेट प्लेटफॉर्म आधारित टेस्ट के लिए आईसीएमआर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोविड जांच के लिए लेबोरेटरी को बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण की नीतियां अपनानी होंगी। लैब में बायोमेडिकल कचरे को अलग अलग करने और नष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सीबी नेट आधारित कोविड-19 जांच के कुछ नए प्लेटफॉर्म इमरजेंसी के समय उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों की सहायता लेने को कहा है। साथ ही राज्य के उत्पादों की विशेषता, संभावित मार्केट जैसी जरूरी अध्ययन करने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी ग्रोथ सेंटर बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। इन ग्रोथ सेंटर में उपलब्ध स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था हो। साथ ही जिलाधिकारी खुद ग्रोथ सेंटर से जुड़ें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज देहरादून में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। देहरादून के थानों के एलईडी ग्रोथ सेंटर और हल्द्वानी के कोटाबाग स्थित एलईडी ग्रोथ सेंटरों को क्वालिटी डिजाइनर उपलब्ध कराने को कहा गया है। हरिद्वार में प्रसाद बनाने से जुड़े सेंटर को कुंभ के लिहाज से तैयारी करने को कहा गया है। साथ ही सभी ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों के स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों, खासतौर पर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अच्छा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्रोथ सेंटर संचालकों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों से बात की और उनसे फीडबैक लिया। बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने बताया कि अभी तक कुल 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 72 क्रियाशील हैं। इससे लगभग 30,000 लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। ग्रोथ सेंटरों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है।
रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के आसपास पर्यावरण की निगरानी के लिए पर्यावरण विकास समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही ट्रैकिंग रूट्स पर ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने रविवार को तुंगनाथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तुंगनाथ के पास चोपता को कैंपिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। पर्यटन सचिव ने कहा कि तुंगनाथ यात्रा संचालन में भी देवस्थानम बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट्स के नजदीकी गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें पुराने मकानों में नए कमरे बनाने के लिए प्रति कमरा 60,000 रुपये और पुराने कमरों में शौचालय बनाने समेत अन्य व्यवस्था के लिए 25,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध किया गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि होमस्टे योजना की जानकारी देने के लिए कैंप लगाए जाएं। दिलीप जावलकर ने कहा कि वर्क फ्रॉम होमस्टे और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है। उत्तराखंड वन विभाग भी कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा है। हरिद्वार में कुंभ के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा भी बना रहता है। उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक जयराज का कहना है कि इस समय हाथियों के झुंड के मुखिया और गुलदारों को रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं, इससे उनकी आवाजाही की निगरानी की जा सकेगी। सूचना मिलने पर हाथियों के झुंड को आबादी की तरफ बढ़ने से रोका जा सकेगा। हम ये कर रहे हैं कि जो हर्ड के लीडर्स हैं उनको हम कॉलर पहना रहे हैं। कॉलर पहनाने से क्या होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर वो आबादी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लोग पहले समझ जाएंगे कि ये आबादी की तरफ आ रहे हैं और हम उनको पहले से पहले मैनेज कर लेंगे। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह से लेपर्ड्स की भी कॉलिंग हो रही है, ये काम शुरू हो गया है फील्ड में, इस समय भी ये चल रहा है ये काम। और मैं समझता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में जो एक विवाद की स्थिति है उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए काफी हद तक ये जो स्टेप हमारा है ये कामयाबी दिलाएगा हमें, ऐसा मुझे लगता है। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 752वीं सालाना उर्स का आगाज हुआ। रविवार देर रात दरगाह में अकीदतमंदों के साथ मेहंदी डोरी की रस्म अदा की गई। रस्म में शिरकत करने के लिए दूर दराज से अकीदतमंद पिरान कलियर पहुंचे, उनके साथ लेकर ये रस्म अदा की गई और ये उर्स साबिर पाक का आगाज हुआ है। अब इंशाल्लाह इसी चांद के मुताबिक 29, 30, 31 और 1 तारीख में उर्स साबिर पाक की मेन और अहम रस्मात अदा की जाएंगी। साबिर पाक के उर्स में देश विदेश से जायरीन आते हैं। कोविड-19 के चलते प्रशासन भी सतर्क है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने कहा कि उर्स के दौरान क्षेत्र में अस्थायी थाना बनाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। कलियर में उर्स के मद्देनजर मेहंदी ड्योरी की रस्म के लिए पीएसी और निकटतम थानों से जो आवश्यक पुलिस बल है वो उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जैसे जैसे जायरीनों की संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। फिलहाल वहाँ एक अलग थाना जो पिरान कलियर उर्स के लिए थाना बनता है वो स्थापित हो गया है और उसके प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह बनाए गए हैं। निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी रूप में जो उर्स है वो सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न हो। देहरादून के डोईवाला में रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिए रेशम विभाग को दी गई 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को आवंटित की गई है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि जल्द ही बस अड्डे का निर्माण शुरू किया जाएगा। जाना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं मिलती डोईवाले तक के लिए, तो यहाँ पर ये रेशम विभाग को दूसरी जगह दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए बन रहा है तो पार्किंग भी होगी, तो यहाँ के निवासियों के लिए कोई आने वाले, यहाँ मंदिर शिव मंदिर भी है बहुत बड़ा, दूर दूर से आते बेचारे उनके लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है। कोट द्वार सावन के महीने में शिवरात्रि में कोट द्वार से कहाँ कहाँ से आते हैं लोग बेचारे, तो इसलिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के महाप्रबंधक दीपक जैन ने डोईवाला में बनने जा रहे बस स्टेशन के स्थल का निरीक्षण किया और भरोसा दिया कि बहुत जल्द डोईवाला को बस अड्डे की सौगात मिलेगी।
के लिए जमीन चिन्हित हो गई है और परिवहन विभाग को आवंटित भी हो गई है, जिसका आज सर्वे का कार्य हम लोग करवा रहे हैं और इस सर्वे के बाद इसकी यहाँ का नक्शा वगैरह बनाकर उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद वापस अपने घरों को लौटे प्रवासियों के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में इजाफा होने लगा है। चंपावत में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और इंटर कॉलेज की संख्या लगभग 635 है। बीते दो वर्षों में यहां 15 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कम छात्र होने के कारण बंद हो गए थे, जबकि इंटर कॉलेजों में छात्र संख्या बेहद कम हो गई थी। बाराकोट विकास खंड के गविनाड़ा क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 वर्ष पहले गांव के लोगों के पलायन की वजह से बंद हो गया था। अब यहां 12 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। विद्यालय को खोलने की प्रक्रिया में लगे खकोड़ा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऋषि राज खरकवाल बताते हैं कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल को खोला जाए और जो हमारे बच्चे हैं ननिहाल हैं, इनको सरकारी विद्यालय में इनका एडमिशन कराया जाए, तो हमारे द्वारा प्रयास वहाँ पर किया गया, तो लोगों ने वहाँ पर 12 बच्चों का एडमिशन कराया और वहाँ पर अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे कि विद्यालय संचालित हो और बच्चे जो सरकारी सुविधाएं में समग्र शिक्षा ग्रहण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनका बच्चे लाभ उठाएं। और इसी प्रकार भी जिले में क्या स्टेट में बहुत सारे हमारे सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि हर जगह इस प्रकार से लोग जागरूक हों और ग्रामीण जागरूक हों और पुनः विद्यालयों को लेकर लोग प्रयास करेंगे। चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित कहते हैं कि प्रवासियों से बच्चों का एडमिशन स्थानीय स्कूलों में कराने के लिए बात की गई, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में कोरोना जो महामारी जो संक्रमण चल रहा है, तमाम प्रवासी जो अन्य स्थानों से अपने घरों में आए हुए हैं, एक तो उनके कारण भी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। इसका वृहद उदाहरण बाराकोट में जो हमारा विद्यालय नया खुला है, जो पूर्व में 3 साल पहले बंद हो चुका था, उन्हीं प्रवासियों के कारण वो आज खुल चुका है और उसमें छात्र संख्या भी 11 से ऊपर चली गई है। इसी प्रकार से हमारे जो निजी विद्यालय में पूर्व में बच्चे पढ़ रहे थे या प्रवेश लिए हुए थे, उनके आर्थिक स्थिति भी अपने आप में सुदृढ़ न होने के कारण वो लोग भी धीरे धीरे राजकीय विद्यालयों की ओर आ रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी को बताया शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने वाला बड़ा अभियान, छात्रों से किया आत्मनिर्भर बनने का आह्वान। उत्तराखंड के उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड बनेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा ग्रोथ सेंटर में उपलब्ध स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की हो व्यवस्था। नेट की तर्ज पर लैब सीबी नेट आधारित अन्य कोविड टेस्ट भी कर सकते हैं। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने लैब के लिए मानक तय किए। और मेहंदी डोरी की रस्म के साथ रुड़की के पिरान कलियर दरगाह पर साबिर बाग के सालाना उसका आगाज। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और ध्यान रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।